अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, ये CG125 की आवाज़ मैंने आपको सुनाई है। CG125 है, ये नॉन यूरो मॉडल है, 2010-11 मॉडल है। तो इसका भाई ने हेड सिलेंडर का, रिंग पिस्टन वगैरह का काम करवाया है, लेकिन काम करवाने के बाद बाइक की आवाज़ सही नहीं हो रही। टैपट की आवाज़ जो है टिक 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 की आती रहती है बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने वीडियो में सुना है। टैपट को जितना भी सेट कर लें तो आवाज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, और जब हम स्लो पे करते हैं बाइक स्लो पे भी नहीं रखती, स्लो पे फ़ौरन बंद हो जाती है। थोड़ी सी तेज़ रेस में इसको रखना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके हमने सबसे पहले इसका टैपट कवर खोल के चेक करेंगे कि टैपट कवर में हमें कोई अगर फॉल्ट नज़र आता है, या हेड को फिट करने से पहले बाइक ठीक थी, बाद में ऐसा क्यों हुआ है। पहले हम टैपट कवर को खोल के यहाँ से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आपने पहले आवाज़ सुन ली है, मैं आपको दोबारा फिर आवाज़ सुना देता हूँ। स्टार्ट करें बाइक। तो ये देखें दोस्तों, बाइक की कंडीशन जो है बड़ी अच्छी है। ये दिखाएं भाई बाइक, माशाल्लाह बाइक बड़ी खूबसूरत है, बाइक बहुत ही जो है जेन्युइन हालत में है। लेकिन इसकी आवाज़ की वजह से हमारे दोस्त जो हैं परेशान हैं, उन्होंने सिलेंडर भी चेंज किया है इसका और इसका सारा काम करवाया है, लेकिन ये टिक टिक की आवाज़ जो है ख़त्म नहीं हो रही है। तो हमने सोचा कि खोलने से पहले आपको इस बाइक की जो है साउंड सुना दें और इसमें क्या फॉल्ट निकलता है, तो ये भी हम अपने दोस्तों को बता दें। तो दोस्तों, बाइक को हमने टॉप पोजीशन पे मैग्नेट को कर लिया है मैंने, और हमने भी एक दफ़ा इसके टैपट किए हैं, तो इसका टैपट कवर खोल के हम चेक कर लेते हैं। टैपट कवर खोलें भाई। टैपट कवर खोल के दोस्तों चेक करते हैं, इसके जो टैपट हैं वो एक दो दफ़ा एडजस्ट भी करवाए हैं, तो सही से बाइक के टैपट जो हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, या क्या मसला आ रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, टैपट कवर को हमने निकाल दिया है यहाँ पे, तो ये टॉप पोजीशन पे है हमारा यहाँ, और ये देखिए टैपट इसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट हैं, कोई इनमें प्ले नहीं है, ज़रा भी प्ले नहीं है इनमें, बिल्कुल टाइट हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इसमें अगर हम इसको डांसिंग पोजीशन पे लाते हैं तो फिर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ ये देखें, इसकी ये रॉकर असम्बली भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरकत नहीं है इस साइड पे। और दूसरी साइड पे अगर चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड पे लाएं भैया, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ये साइड है, ये रॉकर की बिल्कुल कोई इसमें मसला नहीं है रॉकर में, यानी यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है, रॉकर असम्बली इसकी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरफ दिखाएं भाई ज़रा। तो देखें दोस्तों, फॉलवर हमारे ये रॉकर जो है, रॉकर पट्टी जो है, ये बिल्कुल सही है, यानी इसमें कोई डैमेज नहीं है और ये सही हरकत भी कर रहे हैं। तो अगर टैपट हमने चेक किए हैं तो टैपट के अंदर कोई भी प्ले नहीं है, बिल्कुल भी प्ले नहीं है, गुंजाइश है ही नहीं है उसमें। ये देखें, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ हम इस रॉकर असम्बली को अगर खोल के देखें, नोज़ ब्लास्ट, इस साइड दिखाएं भी ज़रा यहाँ से। ठीक, देखें दोस्तों, यहाँ पे इसमें ये रॉकर असम्बली में हमारी में यहाँ पे मसला है कि ये जो पुश राड जो है इस पट्टी के साथ, ये जो नीचे से आने वाली पट्टी है, क्योंकि ये जो बाइक है ये नॉन यूरो है, तो इसमें ये पट्टी आती है यहाँ पे पुश राडों के लिए, तो ये पुश राड जो है यहाँ पे इसके साथ टच हुआ पड़ा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे इसके साइड अंदर की साइड में, ये हालांकि ये राड जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए यहाँ से, लेकिन पुश राड जो है बिल्कुल इसके साथ जाम हुआ पड़ा है। तो ये जो अगर ये पट्टी जो है यहाँ पे जो लगी हुई है ये वाली, अगर हम इसको
किसी तरह से अंदर कर देते हैं, थोड़ा इसको दूर कर देते हैं पुशरार से, तो हमारी बाइक के टैपर जो हैं वो सही एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये देखें अभी जाम है बिल्कुल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। और इसको थोड़ा अगर हम दूर कर देते हैं तो फिर देखते हैं। तो इसको दूर करने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कोई चीज़ आपने यहाँ से नहीं खोलनी है। तो आपके पास कोई एक्सल टाइप चीज़ हो, इस तरह की कोई एक्सल टाइप कोई चीज़ हो आपके पास, ये हमने टी को काट के रखा हुआ है एक को, तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको लगाना है इस तरह। थोड़ा सा पीछे करके दिखाएं, अभी मैं चोट लगाऊंगा, चोट थोड़ा और पीछे कर लें। तो अब देखें दोस्तों, नज़दीक करें ज़रा, यहाँ पे ये मैंने टी इस पट्टी में लगाई है और इस पे चोट लगाऊंगा तो ये थोड़ी सी इससे दूर हट जाएगी ज़रा। तो पीछे करें ज़रा थोड़ा सा, तो ये देखें मैं यहाँ पे चोट लगाई है, एक दो तीन, अभी देखें। तो अब देखें दोस्तों यहाँ पे देखें, ये इसमें फॉल्ट था, ये देखें। अब टैपर ये देखें कितना हमारा टैपर जो है ये लूज़ हो गया है, यानी कि ये इसके साथ फंस रहा था, जिसकी वजह से हमारा टैपर जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, ये देखें। तो होता क्या है कि जब हम हेड ये सिलेंडर के या जो हेड वाले जो चार नट होते हैं 12 नंबर के, जो हेड को जिनसे टाइट करते हैं, जब उसको टाइट करते हैं तो ये पतरी जो है घूम के थोड़ा सा जो है इससे दूर हो जाती है, इस तरफ जब हम कसेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से ये पुशरार फंस जाते हैं और हमारी बाइक की जो टिक टिक की साउंड है ये ख़त्म नहीं होती। ये देखें, ये पहले ट्रैपर कितने टाइट थे, जब हमने इसमें चोट लगाई है पतरी में तो ये दूर चला गया है और अब हमारे टैपर सही एडजस्ट हो जाएंगे। इस साइड से भी हम लगा देते हैं, फिर दोबारा टैपर को एडजस्ट करेंगे। दिखाएं भी नज़दीक करके, ये देखें दोस्तों यहाँ पे हमारा रॉड जो है बिल्कुल फ्री है, ये देखें यहाँ हमारा रॉड बिल्कुल फ्री हो गया, ये इस साइड से फंस रहा था, ये एग्जॉस्ट साइड बिल्कुल ठीक है। तो टैपर को हम दोबारा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से टॉप पोजीशन पे है, टी हमारी यहाँ पे रखनी है, हमने टी का निशान इसके निशान के सामने रखना है और डांसिंग पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, फ्री पोजीशन पे होना चाहिए। और पाँच नंबर गेज से हम इन्हें एडजस्ट करके दोबारा आपको दिखाते हैं। पाँच नंबर की गेज से हमने इन्हें चेक करना है, ये CG 15 है ओल्ड मॉडल वाला। तो ये देखें इस साइड से काफ़ी ज़्यादा टाइट है और दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है। ये देखें दोस्तों यहाँ पे स्लाइड फिट हमारी ये गेज जो है इसके अंदर जा रही है, ये देखें हल्का सा टाइट है, थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं। ये यहाँ पे फाइनल हो चुका है, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। देखें काफ़ी ज़्यादा ढीला था लेकिन फंसा हुआ था, इसलिए टैपर सही एडजस्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बाइक की साउंड ख़राब थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे टैपर जो हैं वो बिल्कुल सही एडजस्ट हो चुके हैं, गेज जो है बिल्कुल फ्री इनमें जा रही है अब पाँच नंबर की। तो टैपर कवर को दोस्तों लगा लेते हैं, टैपर कवर को लगाने के बाद हम बाइक को स्टार्ट करके दोबारा, तो टॉप कवर दोस्तों हमारा लग चुका है, तो बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं साउंड और इसका लगाएं भी किक लगाएं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों बाइक की साउंड बड़ी बेहतरीन हो गई है हमारी, देखें कितना इजी इंजन चल रहा है अब इसका, अब इसको हम चाहें तो और भी स्लो कर सकते हैं, ये देखें कितना प्यारा साउंड है माशाल्लाह बाइक का। तो बाकी सारा काम ठीक था, एक छोटी सी गलती की वजह से इसका साउंड ख़राब हो रहा था। तो दोस्तों देखा है आपने, एक छोटी सी गलती की वजह से बाइक का साउंड ख़राब हो रहा था, यानी वो ओल्ड मॉडल की पट्टी जो है पुश रॉड के साथ टच हो रही थी, जिसकी वजह से साउंड ख़राब हुआ, टैपर सही से एडजस्ट नहीं हुए। तो
तो यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से सीखने का मौका मिलता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।